अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। आपका होस्ट मुबशर नकवी आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सीरीज प्रोग्राम लेके आया, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एथिक्स हमारी जिंदगी में कैसे कामयाबी बनाती हैं। एथिक्स की वजह से हम जिंदगी में पैसा कैसे कमाते हैं, इसमें हम देखेंगे कि हर मजहब ने, स्पेशली मुसलमानों ने भी, स्पेशली सरकार रसालत मार ने भी हमें एथिक्स सिखाई हैं, और हम देखेंगे कि कोई भी शख्स चाहे बिजनेस कर रहा है, चाहे जॉबियन है जॉब कर रहा है, चाहे वो शख्स किसी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो शख्स अपनी जिंदगी गुजार रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे एक सिविलाइज सोसाइटी है, हत्ता के एक घर में भी जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर में भी आपस का रिलेशन और कामयाबी एथिक्स के ऊपर बेस करती हैं। ओके गाइस, इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, दुनिया का कोई मजहब उठा लें, इल्हामी किताबों के अलावा भी उठा लें, हिंदुओं का उठा लें, कुछ हर हिंदुओं का, बुद्ध मतों का, या किसी भी सूरज मत का या सूरज की प्रस्तुति करने वाले जो इल्हामी किताबें नहीं है, उनके मजहब में भी एथिक्स की लिमिट्स हैं, उनके मजहब में भी एक बाउंड्री वॉल है एथिक्स की, जिसको फॉलो करने से बताया जा रहा है कि कामयाबी मिलेगी। दूसरी तरफ आ जाएं, एट द राइट वे, हम देखेंगे कि इल्हामी किताबों वाले जितने भी अंबिया आए या इल्हामी किताबों में जिस जिस अंबिया ने भी अपनी तरवीज की है, उसने एथिक्स की बेमिसाल तबलीग की है। तो ये एथिक्स जो है, ये हमारी कामयाबी में एक आला दर्जे का, एक मॉरली एक अलग दर्जे का स्तून है, एक अलग दर्जे की है। ये एथिक्स ही है जो किसी कंपनी, किसी इदारे, किसी ग्रुप या किसी जॉब के डिपार्टमेंट में या किसी भी प्रोजेक्ट में या एक सिविलाइज सोसाइटी में, किसी मुल्क में, ये एथिक्स ही है जो मुसलमान, हिंदू, ईसाई, यहूदी, हर किसी को इकट्ठा रहने का एक माहौल दे रहे हैं। हम लोग, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज जो बन गई है, ये ग्लोबल विलेज बनी ही एथिक्स के ऊपर है। ये एथिक्स ही हैं जो इस ग्लोबल विलेज को कायम किए हुए हैं। एक लंबा लेक्चर नहीं दूंगा जी, बड़ा शॉर्ट सा, ब्रीफ सा, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक सीरीज पूरी आएगी। एथिक्स ग्लोबल विलेज है, जाहरी बात है, इसकी वजह से दुनिया इकट्ठी हो गई है, इसकी वजह से दुनिया आगे बढ़ रही है, इसकी वजह एक ही जगह पे, इसकी वजह से, एथिक्स की वजह से एक ही जगह पे, एक छोटी सी कम्युनिटी में ही हर नस्ल के, हर मजहब के लोग हैं और वो काम कर रहे हैं, और कोलैबोरेशन के साथ, हार्डवर्किंग के साथ, एक का पसीना दूसरे के पसीने के साथ मिल रहा और तरक्की हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, एथिक्स ही थे ना जो बताया किसी अजमी को अरबी पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, ये एथिक्स ही थे ना कि वो अपना महाजरीन और उसको इकट्ठा कर दिया। मैं रिलीजियस साइड पे नहीं जाना चाहता, लेकिन ये एथिक्स ही थे जो हम आज तक ग्लोबल विलेज, एक एक हिस्से का, एक एक मुल्क का, एक एक कॉन्टिनेंट का, एक एक मुल्क का, एक एक इलाके का भी अगर हम एक जायजा लेंगे तो पता चलेगा एथिक्स ही है जो इसको चला रहे हैं। किसी इदारे में हम काम कर रहे हैं इज्जत शोहरत पैसे के लिए कर रहे हैं, जब किसी भी जगह पे हम काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए? सर आपकी तरफ तवज्जो मिली है, आपकी तरफ तवज्जो, क्या कर रहे हैं हम?
उसमें हम क्या चाहते हैं, उसमें हम इनकम जनरेट करते हैं, आपको बता रहा हूं इनकम जनरेट करते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हमें प्रमोशन मिलती रहे, चाहे बिजनेस है तो बिजनेस में ऑनर कहता है कि मुझे इससे भी ज्यादा प्रमोशन मिले, इससे भी ज्यादा मैं आगे तरक्की कर जाऊं, इससे भी आगे जाके मेरा आगे मुकाम हो, वो भी प्रमोशन चाहता है। चपरासी भी चाहता है कि मेरी इनकम बढ़े, मेरी प्रमोशन हो, चपरासी भी चाहता है को वर्कर मेरे साथ काम करें अच्छे तरीके से, सुपरवाइजर मेरे साथ उसका ताल्लुक अच्छा हो। और याद रखें सुपरविजन जो है ये भी जरूरी है, किसी भी जगह पे सुपरविजन होती है, और देख लें कि वर्क हमारा, हम चाहते हैं कि जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी भी जगह पे हो, हमारा वर्किंग रिलेशन अच्छा हो, वर्क अच्छा हो हमारा, ये सारी चीजें, इनकम भी होगी, को वर्कर्स के साथ ताल्लुक भी अच्छा होगा, प्रमोशन भी होगी, वर्क भी होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन ये सारा कुछ अगर होगा तो एथिकल बेस होगा, अगर एथिक्स होंगे, अगर एथिक्स असूल पसंद इखलाकियात के ऊपर हमारे असूल बनाए जाएं, तभी ये काम चल सकता है। ये सारी चीजें चाहते हैं ना हम, अगर ये सारी चीजें हम चाहते हैं तो हमें एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी ओनर को भी एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसको उसी हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा एथिकली, कंपनी के सुपरवाइजर को भी एथिकली बिहेव करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वर्कर्स को भी करना पड़ेगा, को वर्कर्स को भी करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हों, तो ज़हन नशीन कर लें कि आपको एथिकली बिहेव करना पड़ेगा। अगर कोई अपना आपकी जॉब का कोई बॉस है तो उसको भी एक असूल के तहत एक दायरा कार होता है, कुछ इखलाकियात के तहत काम किया जाता है, कुछ असूल हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। वो असूल क्या हैं? टॉप मैनेजमेंट जो है, जो टॉप मैनेजमेंट आपकी किसी भी इदारे की होती है, किसी बिजनेस की होती है, जॉब की होती है, उसको सपोर्टिव होना चाहिए, उसको अपने इदारे में, अपने हर डिपार्टमेंट में एक प्रोटोकॉल रखना चाहिए, एथिकली अखलाकी तौर पर एक असूल बनाए जाने चाहिए, प्रिंसिपल्स बनाए जाने चाहिए। सबसे पहले टॉप ऑर्डर जो मैनेजमेंट होती है, सीईओ के बाद, मालिक के बाद, जो आगे मैनेजर्स आते हैं, उनको भी असूल और प्रोटोकॉल होते हैं उनके, उनको उनको फॉलो करते हुए आगे मूव करना चाहिए, तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर टॉप मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर रही है जनाब, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है, उसके बाद होता है एथिकल क्लाइमेट। कोई भी इदारा हो या कोई बिजनेस पॉइंट हो तो उसमें एथिकल क्लाइमेट होता है, आपका एटमॉस्फेयर जो है उसमें बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि ईगो नहीं होनी चाहिए। अगर ईगो होगी तो जो शख्स काम कर रहे हैं वो दूसरे को चाहेगा मैं इससे आगे निकलूं और इसको पीछे करूं, मैं इसको बताना ही कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप में ईगो खत्म करनी पड़ेगी, जब ईगो खत्म करेंगे तो आपका एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाएगा, उसके बाद आप आपके उधर खैर ख्वाही वाला प्रोग्राम होना चाहिए कि अगर कोई शख्स खराब काम कर रहा है तो दूसरा जो देखने वाला है उसको कहना चाहिए कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर ले, जब वो ऐसे नहीं ऐसे कर लेगा तो फिर वो तब्दीली आ जाएगी, काम अच्छा हो जाएगा। प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जब प्रिंसिपल्स होंगे एथिकल क्लाइमेट बनता है आपके ईगो खत्म करने से, खैर ख्वाही वाला माहौल बनाने से और प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल्स किसी भी इदारे के होते हैं और वो अच्छे एथिकल बेस होने चाहिए। उसके बाद जनाब हम एक और चीज कर लेते हैं कि एक एक बना लेते हैं साइकिल सा होता है, एक हम कहते हैं एथिकल साइकिल, जिसमें एथिक्स एक साइड पे होती है, एक साइड पे बिहेवियर होता है, एक साइड पे आपका कैरियर प्लान होता है। आप एथिकली और बिहेवियर और कैरियर प्लान, जब ये तीन चीजें आपस में कोलैबोरेट करती हैं आपस में, तो आपको दरमियान में सक्सेस मिलती है। एथिकली आप मूव करते हैं, बिहेवियर आपका उस बॉडी का उस हिसाब से मूव होता है, और उसके बाद आपका कैरियर प्लान जो किया होता है उसके मुताबिक आपको सक्सेस मिलती है। उसके बाद जी मॉरल सपोर्ट है आपकी, मॉरली आपको फैंटेस्टिक होना चाहिए, आपको बेहतरीन होना चाहिए मॉरली, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी कामयाबी है, मॉरली इखलाकी तौर पर मॉरली बंदे को अच्छा होना चाहिए। तो ये एथिक्स जो है
ये इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। आपको एथिकली साउंड होना चाहिए, साउंड। ओके गाइस, आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आके नेक्स्ट वीडियो जो है इसके ऊपर इससे भी अच्छे अच्छे मवाद के साथ आपको मैं दे सकूं। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।